आँखों में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन की समस्या को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये आई ऑइंटमेंट आँख में लगाने के लिए दिया जाता है। कंजेक्टिविटी की समस्या में इसका उपयोग किया जाता है। इस समस्या में क्या होता है कि व्यक्ति की आँखें पिंक कलर की हो जाती हैं, आँखें बहुत ज़्यादा लाल हो जाती हैं, उसमें सूजन आने लगता है, दर्द होने लगता है और आँख से कई बार आपने देखा बहुत ज़्यादा पानी निकलने लगता है, तब डॉक्टर के द्वारा ये आई ऑइंटमेंट आँख में लगाने के लिए बताया जाता है। और इस ऑइंटमेंट का उपयोग आँख में क्या दिक्कत क्या परेशानी रहती है या फिर आँख में किस किस समस्या में डॉक्टर द्वारा ये आई ऑइंटमेंट आँख में लगाने के लिए दिया जाता है, इसे लगाना कैसे होता है, एक दिन में कितनी बार लगाना होता है, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, इसका डोज क्या होता है, इसके बारे में आज हम आपको हिंदी में जानकारी देंगे। जैसे कि जब किसी के आँख में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण अगर उसके आँखें लाल हो जाती हैं, रेडनेस आँख में रहता है, आँख में सूजन आने लगता है, आँख में बहुत ज़्यादा खुजली की समस्या होने लगती है, या फिर आँख के आपने देखा होगा ऊपर साइड में फोड़ा फुंसी की समस्या हो जाता है, रेडनेस आ जाता है, आँख में स्वेलिंग आ जाता है और आँख से देखा होगा कीचड़ भी निकलने लगता है, आप सोते टाइम सोने के बाद में जब उठेंगे तो आप देखेंगे अपने आँखों में मैल के जैसा कोने पर आपको देखने को मिलता है, तब डॉक्टर के द्वारा इन सारी समस्याओं में ये आई ऑइंटमेंट आँख में लगाने के लिए बताया जाता है। और जैसे कि इसका उपयोग कंजक्टिविटी की समस्या में इस आई ऑइंटमेंट का उपयोग किया जाता है। और जैसे कि इसका उपयोग बैक्टीरियल केराटाइटिस की समस्या में इस आई ऑइंटमेंट का उपयोग किया जाता है। इस बीमारी में आँखों के कॉर्निया में इन्फेक्शन की समस्या हो जाता है। इसके कारण आँख में सूजन आना, दर्द की समस्या रहना, आँखें एकदम रेड रेड रहना, आँखों से पानी आना, आँखों में बहुत ज़्यादा पेन के जैसा महसूस होना, आँख का गड़ना, तब डॉक्टर के द्वारा इन सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए ये आई ऑइंटमेंट डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। और जैसे कि अगर वो तेज रोशनी में देखेगा तो उसके आँख में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगा और वो बराबर देख नहीं पाएगा। और जैसे कि जब किसी के आँख में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तब डॉक्टर के द्वारा बहुत सारे आई ड्रॉप दे देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी जो उसके आँख में बैक्टीरियल का इन्फेक्शन रहता है वो ठीक नहीं होता है, तब डॉक्टर के द्वारा ये आई ऑइंटमेंट प्रेस्क्राइब किया जाता है, जिससे जो उसके आँख में बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है वो ठीक हो जाता है। ये काफ़ी अच्छा ऑइंटमेंट आई होता है। और जैसे कि जब किसी का आँख का ऑपरेशन होता है तब डॉक्टर के द्वारा ये आई ऑइंटमेंट लगाने के लिए दिया जाता है, जिससे जो आँख में बैक्टीरियल का इन्फेक्शन हो वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। और जैसे कि जो इस आई ऑइंटमेंट में हमारा कंपोजिशन पाया जाता है वो हमारा होता है एजिथ्रोमाइसिन आई ऑइंटमेंट 1%। और जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन आई ऑइंटमेंट का उपयोग, और जैसे कि आपने देखा होगा जब किसी के आँख के ऊपर जो चमड़ी होती है उसमें आपने देखा होगा छोटे छोटे फोड़ा फुंसी की समस्या हो जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, तब डॉक्टर के द्वारा एजिथ्रोमाइसिन आई ऑइंटमेंट आँख में यूज़ करने के लिए बताया जाता है, जिससे जो आपके आँख के ऊपर की जो चमड़ी रहती है लेयर रहती है उसमें आपने देखा होगा फोड़ा फुंसी की समस्या हो जाता है, जिसे हिंदी भाषा में बिल्ली कहा जाता है, तब डॉक्टर के द्वारा ये एजिथ्रोमाइसिन आई ऑइंटमेंट उपयोग करने के लिए बताया जाता है। चलिए अब हम आपको इस आई ऑइंटमेंट के बारे में बताते हैं ये लगाना कैसे होता है। जैसे कि जिस तरह से आप काजल लगाते हैं उस तरह से आप इसे अपनी उंगली में ले करके, तब आप जिस तरह काजल लगाते हैं उस तरह आप अपने आईज के एक तरफ में ये लगाना होता है। लगाने के बाद में आपको धूप में नहीं निकलना होता है। और जैसे कि ये दिन में 2 से 3 बार डॉक्टर के द्वारा लगाने के लिए बताया जाता है। जैसे कि अगर आप काजल लगाते हैं या फिर किसी, आपने देखा होगा कि काजल जब कोई किसी को लगाता है तब ये काजल की तरह उसके निचले वाले लेयर पे हल्के हाथ से ये क्रीम निकाल के उंगली में उसे लगाया जाता है। और जैसे कि आप अपने हाथ को अच्छे से धुल लें लगाने से पहले, डिटॉल या साबुन से धुल लें, उसके बाद में हाथ को आप तौलिया में अच्छी तरह से पोछें, उसके बाद में ये
जो ऑइंटमेंट है आप अपनी आँख में या दूसरों की आँख में लगाएं। चलिए अब हम आपको इस ऑइंटमेंट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताते हैं। इस ऑइंटमेंट का क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखा गया है। जैसे कि जब आप अपनी आँख में ये लगाएंगे तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है, आपकी आँख में काफ़ी ज़्यादा रेडनेस की समस्या हो सकता है, जलन की समस्या हो सकता है, आँख से काफ़ी ज़्यादा पानी आ सकता है, या फिर हम कह सकते हैं आँख में बहुत ज़्यादा खुजली की समस्या हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई साइड दिखे तो तुरंत आप बंद कर दें और अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से तुरंत संपर्क करें। इसके अलावा अगर आपको और कोई दिक्कत और कोई परेशानी है तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से जरूर संपर्क करें। कभी भी कोई भी मेडिसिन, कोई भी आई ड्रॉप, कोई भी इंजेक्शन आप अपनी मर्जी से उपयोग ना करें।